हेलो दोस्तों, ऋषि कृष्ण का बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi के 3S प्राइम के अंदर MIUI 8.5 के अपडेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यूज कर रहा हूँ Redmi का 3S प्राइम और इसके अंदर आ चुका है MIUI 8.5 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट और इसको डाल लिया है मैंने। 1.4 GB का ये अपडेट था। इसके बाद मैं चेंजेस की बात करूँ तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो गई। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ऐप्स के पीछे का बैकग्राउंड सारा वाइट हो चुका है और थीम में चेंजेस आए हैं। वाइट थीम हो चुकी है मोस्टली, सो थीम के अंदर चेंज आया। और अभी आपको बहुत सारे ऑप्शन जैसे सिस्टम ऐप्स, इंस्टॉल्ड ऐप, ड्यूल ऐप, परमिशन आपको बाहरी सेटिंग्स के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो ये कुछ थीम्स के अंदर चेंजेस आए मेनली। और अगर हम बाकी चेंजेस की बात करें तो मोस्टली थीम में, अगर बात करें गूगल म्यूजिक की, सो म्यूजिक का जो पूरा सिस्टम है वो चेंज हो चुका है। अगर आप देखें लेआउट पूरा बदल चुका है। ऊपर आपको रिसेंटली प्लेड फेवरेट्स और माई प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलता है। सो यहाँ पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेंज हो चुका है माई म्यूजिक का भी। सो मोस्ट चेंजेस थीम्स के अंदर आए, मेनली कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला है हमको MIUI 8.5 के बाद। जो अगला एक मेजर जो बैकअप जो इसमें चेंजेस आया वो एडिट ऑप्शन। आपको एडिट ऑप्शन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। जैसे अब आपको मिल जाएगा टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं, डूडल ऐड कर सकते हैं। सो टेक्स्ट आप डाल सकते हैं, आपको किसी और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है आपको एडिट करने के लिए अब चीज़ें। सो इस तरह आप टेक्स्ट वैक्स ऐड कर सकते हैं, आपके और भी काफ़ी सारे फॉन्ट आप कलर वगैरह सब चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। सो एडिटिंग फीचर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है MIUI 8.5 के बाद। बात करूँ आपको अपडेट डालनी चाहिए कि नहीं डालनी चाहिए, सेम टू सेम आपके ऊपर है। वैसे ज़्यादा चेंजेस नहीं है, कुछ थीम्स में चेंजेस आए हैं और एक गैलरी में एडिट है MIUI 8.2 के बाद से। और कुछ पर कुछ इसमें दिक्कतें भी हैं, जैसे आपको बैटरी थोड़ी ज़्यादा ड्राई होती है इस वाले के बाद। ज़्यादा अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिल रहा मुझे, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था 8.2 के अंदर, पर 8.5 में वो 4-4.5 घंटे का ही हो गया। जी हाँ, आधे एक घंटे का फर्क है स्क्रीन ऑन टाइम के अंदर। सो अगर आपके पास 8.2 है, आपको ज़्यादा अपडेट्स की जरूरत नहीं है, तो आप MIUI 8.5 मत डालिए, MIUI 9 का इंतजार कीजिए जो कि आ रहा है 16 अगस्त को। मैंने लिंक दिया आपको ऊपर कार्ड्स में, आप देख सकते हैं। सो अगर आप 8.2 यूज़ करें तो आपको 8.5 डालने की जरूरत नहीं है, थोड़े बग्स हैं इसके अंदर। सो अगर आप 8.2 यूज़ करते हो, आपको 8.2 ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इसमें थीम के अंदर इंप्रूवमेंट्स हैं और थोड़े से आपको गैलरी में फीचर मिल जाते हैं, पर वो आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानने। सो अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को इस तरह की और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। हमारे वीडियो देखने का बहुत बहुत थैंक यू। आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।